हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपने एक ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट क्वेश्चन की सीरीज का फोर्थ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, टेन ए इफ टेन ए प्लस सेक इज इक्वल टू एक्स देन प्रूव दैट साइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें आप लोग और हम इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है कि साइन ए इसके इक्वल होगा जबकि हमें x की वैल्यू गिवन है। तो हम करते क्या है, जो हमें प्रूफ करना है इसमें से लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसका यूज़ कर लो या इसका राइट हैंड साइड लेकर के इसका यूज़ कर लो। तो आपको दिख रहा होगा इसका राइट हैंड साइड लेना इजी है। तो जो प्रूफ करना है उसका RHS मैं लेने वाला हूँ। RHS मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में वन। अब हम करेंगे क्या, हमें लाना क्या है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। मुझे लाना साइन ए है और x की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवेन है। तो हमको जो वैल्यू गिवेन है x की वो वैल्यू ला करके हम यहाँ पुट कर देंगे। तो पुटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ x, यहाँ आप देखिए जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर स्टेप मार्किंग होने वाली है और स्टेप मार्किंग पे अगर आप नंबर चाहते हैं तो स्टेप मार्किंग के स्टेप पे वह नंबर कट भी सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द गिवन वैल्यू ऑफ x की जो गिवन है वैल्यू वो हम यहाँ पर लाके पुट कर देते हैं। पुट करते हैं स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा मुझे, टेन ए और प्लस में कितना sec a का होल स्क्वायर माइनस में वन होल का अपान क्या मिलेगा, टेन ए और प्लस में कितना sec a का होल स्क्वायर और नीचे प्लस में वन है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्वांटिटी का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, यहाँ पर भी एक्सपेंड कर देंगे, फिर देखते हैं क्या होने वाला है। जब एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इट मीन्स हमें यहाँ मिलने वाला है टेन स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर में ए और प्लस में टू टेन ए इंटू में कितना सेक ए और माइनस वन होल का अपान, सेम टू सेम एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर मिलेगा मुझे टेन स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस टू टेन ए इंटू में कितना सेक ए प्लस में वन। अब ध्यान दीजिए, कोई आइडेंटिटी बन रही है क्या, अगर मैं सेक स्क्वायर ए और माइनस वन को साथ मिलूँ तो सबको पता है सर सेक स्क्वायर ए माइनस वन टेन स्क्वायर होता है और यहाँ डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर ए प्लस वन को मैं साथ ले लूँ तो टेन स्क्वायर ए प्लस वन जो है वो सेक स्क्वायर होता है। तो देखते हैं क्या मिलने वाला है मुझे, यहाँ पर मुझे मिलेगा ये दोनों मिल करके सेक स्क्वायर ए और माइनस वन टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो मेरे पास एक टेन स्क्वायर ए पहले से आप देख सकते हैं ये टेन स्क्वायर ही है और इन दोनों को मिलाने पर जो टेन स्क्वायर मिला दोनों को ऐड करके कितना लिख देते हैं टू टेन स्क्वायर ए, बचा कितना प्लस में टू टेन ए इंटू में कितना सेक ए। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखिए ऐसे ही ये मेरा टेन स्क्वायर ए प्लस वन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर के सेक स्क्वायर ए हो गए और एक सेक स्क्वायर ए मेरे पास ऑलरेडी है तो दोनों मिलकर के कितने हो जाएंगे टू सेक स्क्वायर ए और प्लस में कितना बचा मेरे पास, प्लस में यहाँ पर बचा हमारे पास टू टेन ए इंटू में कितना सेक ए। अब आप देख सकते हैं कि आप हर में क्या मीन्स न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या कॉमन ले सकते हैं, ऊपर आप देखोगे तो सर टू टेन ए आपको कॉमन मिलेगा, यहाँ बचेगा कितना टेन ए प्लस में कितना सेक ए, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन मिलेगा आपको टू सेक ए कॉमन मिल जाएगा सर और बचेगा कितना नीचे सेक ए प्लस में कितना टेन ए और ये दोनों देखो सेम टू सेम है दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब ये मेरा अपान में टू और टू ये दोनों कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस टेन को लिख सकता हूँ कितना साइन ए और अपान में कितना कॉस ए और इसको लिख सकता हूँ वन अपान कॉस ए, सबको दिख रहा है भाई कॉस ए कैंसिल हो गया, मिला कितना मेरे पास साइन ए विच इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। तो वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को